तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, गूगल एडसेंस क्या चीज़ होती है एंड गूगल एडसेंस की आवश्यकता हमें कब पड़ती है। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप एक यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं या फिर दोस्तों आपकी कोई वेबसाइट है इंटरनेट पर, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल एडसेंस आपको कितना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको इस टैक्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों, आखिर गूगल एडसेंस क्या है एंड गूगल एडसेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जनरली मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, या फिर दोस्तों यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपना वीडियो डालकर और पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, यदि आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है और दोस्तों आप इसी के साथ सोचते हैं कि मैं वीडियो भी बनाता जाऊँ तो यूट्यूब पर अपलोड करूँ। एंड फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ होती है, यदि आप लोग कोई इंटरनेट का काम करते हैं, जैसे कि वेबसाइट वगैरह आपकी कोई इंटरनेट पर गूगल पर, तो फ्रेंड्स इंटरनेट से आजकल कमाई करने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन अब बात आती है दोस्तों पैसे की। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग काम करेंगे तो आपको पैसा भी तो चाहिए ना, तो फ्रेंड्स अब पैसे आपको कैसे मिलेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आपकी कोई वेबसाइट होती है या यूट्यूब चैनल होता है, ठीक है ना, तब दोस्तों आपका एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है। तो फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस अकाउंट आपका एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, ठीक है ना, इस पर आपका पैसा आता है गूगल की तरफ से। तो काम करने का आपका जितना भी रेवेन्यू बनता है, तो दोस्तों वो आपकी रेवेन्यू आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आती है, और गूगल एडसेंस की एक लिमिट होती है $100। जब दोस्तों आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कम्प्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट से वो पैसा $100 आपके मेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट बनता कब है, तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जब आप अपने चैनल को रिव्यू में भेजते हैं, तो जब रिव्यू में भेजेंगे तभी आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बन जाएगा, आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। जब आप रिव्यू भेजेंगे तो रिव्यू में भेजते समय जो प्रोसेस करते हैं, तो उन्हें दोस्तों एक प्रोसेस होती है गूगल एडसेंस अकाउंट की, ठीक है ना, तो वो आपको अपने आप ही मिल जाएगी ऑटोमेटिक। फ्रेंड्स, अब आपको पता नहीं कि आपको अपने चैनल को रिव्यू में कैसे भेजना है और कैसे भेजते हैं और कैसे गूगल अकाउंट बनाते हैं, फ्रेंड्स मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ कि चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में कैसे भेजें और गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाएं, तो उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप कि जो आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें।